काफी बार ये सवाल आता है कि भाई एंग्जाइटी मतलब डर, घबराहट, इसका और इरेक्शन का क्या संबंध है। देखिए, इरेक्शन आता ही इसलिए है, पेनाइल इरेक्शन जो है, लिंग में इरेक्शन जो है, लिंग में कठोरता जो है, वो आती इसलिए है कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा विचार आए हुए हैं, सेक्स के विचार आए हुए हैं। होता क्या है कि आंखों से देखा कोई स्त्री को, कानों से सुना कोई सेक्सुअल आवाज, सूंघा कुछ, फिजिकल कुछ हुए, मतलब कुछ भी पंचेंद्रिय से स्टिमुलेशन जब अंदर जाता है तो नेचुरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्साइट होती है। वो एक्साइट होने के बाद में वहाँ से जो नर्व्स निकलती है तो वो पेरिफेरल, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो पेनिस तक जाती है नर्व्स, नर्व एंडिंग्स, वो सिक्रीट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जब सिक्रीशन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन से वहाँ की जो मसल्स है, पेनिस की मसल्स, वो रिलैक्स हो जाती है। कौन सी मसल्स? पेनाइल मसल्स और आर्टेरियल जो है, आर्टेरीज मतलब खून की नलियाँ जो है, आर्टरीज और वेंस, वो भी रिलैक्स होती है, वो मोटी हो जाती है। जैसे मोटी हो गई तो कम से कम 100 ml, 125 ml खून पेनिस में आता है और इरेक्शन होता है। मतलब शुरुआत यहाँ से होती है और वो पेनिस तक उसका स्टिमुलेशन जाता है, उसका सेंसेशन जाता है और वहाँ फिर वो इरेक्शन आता है। अब यही ठिकाने पे नहीं है, यहीं डर है, तो नेचुरली क्या होगा? जब डर है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है तो वो क्या सिक्रीट करेंगी? वो नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, स्टीरॉयड, उसका सिक्रीशन करेंगी। उसका सिक्रीशन करेंगी तो इरेक्शन बिल्कुल आएगा नहीं डर के मारे। इरेक्शन आने के लिए होना है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन। और जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है, जिसको बोलते हैं PSNS, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका स्टिमुलेशन होता है तो उससे रिलैक्स होती है पूरी बॉडी। पूरी बॉडी जैसी रिलैक्स होती है तो मसल्स रिलैक्स होती है, आर्टरीज एंड वेंस की मसल्स रिलैक्स होती है और वहाँ से फिर पेनिस में खून जाता है। 100 ml से 150 ml खून अंदर जाता है और वहाँ से इरेक्शन आता है। अब होता क्या है कि जब टेंशन है, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है, तनाव है, परफॉर्मेंस करके बताने का है, उसका टेंशन है, गिल्ट है मन में, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, दिमाग ठिकाने पे नहीं है, पैसे का लॉस है, कोई मृत्यु हो चुकी है उसका लॉस है, मतलब कुछ भी, दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशर में है तो नेचुरली सेक्स के विचार आएंगे नहीं। अब सेक्स के विचार आएंगे नहीं तो एक्साइटमेंट होगा नहीं, एक्साइटमेंट नहीं होगा तो नीचे कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, इसलिए सेक्स परफॉर्मेंस के लिए विचार जो है वो एकदम शांत होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर टेंशन दिमाग के ऊपर नहीं होना चाहिए। और यदि वो है, प्रेशर है, टेंशन है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, गिल्ट है, तो बिल्कुल सेक्स करने के लिए मतलब जाना भी नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रेशर है, थकान है, ज़बरदस्ती सेक्स करने के लिए जा रहे हैं, फेल हो गए। अब फेल हो गए तो और ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि अरे बाप रे, अब क्या हो गया। फिर वो दूसरे दिन तक राह देखता है कि अभी मैं कल फेल हो गया था, अभी आज भी कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। और फिर दूसरे दिन भी वही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर है, वो प्रेशर से ही वो कर नहीं पाता। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। तो ये तोड़ने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेशर निकाल देना पड़ता है दिमाग का। अभी इसमें प्लेसेबो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। प्लेसेबो इफेक्ट आपको सबको बताइए कि जब कोई टॉनिक देते हैं, कैप्सूल देते हैं, बहुत महंगी है, उसको लगता है कि हाँ बहुत पावरफुल सेक्स टॉनिक मुझे दिया, एक्चुअली रहती है वो मल्टीविटामिन की गोली, मगर उसको लगता है कि नहीं मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल गोली दिया है तभी मैं कर सकूँगा, और वो जो बिलीफ है उससे वो कर सकता है। तो ये हो गया प्लेसेबो इफेक्ट। मगर कुछ लोगों को तो डेफिनेटली PDE5 इनहिबिटर देने पड़ते हैं, जिसमें सिल्डेनाफिल, ट्रालाफिल, एवेनाफिल, वर्दनाफिल ये आते हैं, उससे फिर उनको इरेक्शन आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ये बहुत बड़ा कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, उससे इरेक्शन होता नहीं है और उसमें अंदर अंदर चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक्चुअली कारण तो एकदम सिंपल रहता है, आराम से आसानी से उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।